सो आज मैं कोई अपनी रेसिपी या एम्बर की कोई फूड रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी यम्मी हेल्दी ड्रिंक, वो है लाटे मिक्स. तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ लाटे मिक्स. और रिसेंटली हम लोग जब पंजाब से वापस आए थे तो आई हैड वेरी बैड कफ एंड कोल्ड, तो तब से मैंने ये लाटे मिक्स लेना स्टार्ट करा था. क्योंकि एक तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, बट उससे पहले कि मैं कौन सी लाटे मिक्स लेती हूँ, तो ये जियो न्यूट्रा लाटे मिक्स जो कि कफ कोल्ड में बहुत ही हेल्पफुल है और इसके काफी बेनिफिट्स हैं. बट उससे पहले जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं गाइस, विच आर वेरी अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, केसर, सौंफ, जायफल और बहुत सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी हैं. नौ जो इसके इंग्रेडिएंट्स है उसमें से एक जो टर्मेरिक है विच एक्ट्स एज एंटी माइक्रोबियल एंड क्लिंजिस ब्लड, एंड यू नो केसर विच इज़ नोन एज फॉर इट्स मेडिसिनियल वैल्यू, इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्मेल एंड द गोल्डन कलर, इट हैज़ पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट्स, गुड टू ट्रीट डिप्रेशन और बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है. तो ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है. बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स हैं. आपके ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है. स्पेशली विंटर्स में आपको बहुत जल्दी कफ कोल्ड हो जाता है या आप टायर्ड फील करते हो, देन इट इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिज्म एज वेल. इट सपोर्ट्स हेल्दी इम्यून सिस्टम, कंटेन्स विटामिंस वाइटल फॉर अ लॉन्ग एंड हेल्दी इम्यून सिस्टम. ये हेल्दी लाटे मिक्स बहुत ही टेस्टी है, साथ में इसको बनाना भी उतना ईजी है. तो आप अपने अकॉर्डिंगली 100 से 500 ml के बीच में मिल्क ले, हल्का सा वार्म कर सकते हैं और उसमें 1 सैशे ऐड करें, या तो आप कोल्ड मिल्क भी ले सकते हैं और सैशे उसमें एम्प्टी करके अच्छी तरह मिक्स करके आप पी ले. बहुत इजी है, जब आप सडनली कुछ नहीं बनाना चाहते तब भी आप पी सकते हो. पैक में 30 सैशेज होते हैं तो आप एक रोज ले सकते हो. सो दिस इज अ बेस्ट विंटर ड्रिंक विच आई कंज्यूम डेली टू कीप माई सेल्फ इम्यून एंड हेल्दी. इन केस यू आर इंटरेस्टेड, मैं जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. ठीक है गाइस, वो देखो उसको नींद आ रही थी पक्का भी. सो बाय बाय 2021. और अभी 2 मिनट रह गए हैं. दीपक और मेरे में हमेशा कंपटीशन चलता है कि कौन पहले विश करेगा. हर चीज़ में मैं ही करती हूँ. कई बार ऐसे हो जाता है जैसे कि गांधी जयंती है तो वो पहले विश कर देते, मैं कई बार भूल जाती हूँ. तो अभी दीपक को मैं हैप्पी न्यू ईयर पहले विश करूँगी और आप सब को भी हैप्पी न्यू ईयर गाइस. अच्छा अच्छा साल हो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो. बी काइंड टू योर सेल्फ फर्स्ट, देन बी काइंड टू एवरीवन. दीपक इधर आओ ना, मूवी देखते हैं. मैंने भी हम दोनों ने भी एक मूवी देख रहे थे. अच्छा खाना खाया, एम्बर सो गई थी जल्दी, तो नींद पे पूरी नींद भरी पड़ी है. यहाँ पे क्लॉक पे तो टाइम हो ही गया है. दीपक मुंबई में सब कुछ बैंड है इस बार, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते. वैसे ही हम लोग घर पे रहते हैं पार्टी के टाइम पे. तो चलो हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. टाइम तो हुआ नहीं. हैप्पी न्यू ईयर हो गया. टाइम तो हुआ ही नहीं है. टाइम तो हुआ नहीं. टाइम होगा. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. अभी हुआ नहीं. हां चलो 4 3 2 एचएनवाई. हैप्पी न्यू ईयर. पापा लगता है आज बुक फिनिश कर दोगे. इसका नाक ही जा रहा है आज, जुराब भी पहनी हुई है. वैसे मौसम हवा चल रही है थोड़ी सी. हाँ एम्बर, एम्बर से बाय क्रिसमस ट्री. आज हम क्रिसमस ट्री पैक कर देंगे ना. यार क्रिसमस ट्री हटा रहा हूं मैं तो, लगाने लगा था इसको. कोई बात नहीं, आज आप थोड़े काम करो एक्स्ट्रा. ये कर दो, थोड़ा टाइम हो जाएंगे और देखे आ जाएंगे डब्बे से. हंगण मंगण साथ में रखो. हाँ रख लो, थोड़े नेक्स्ट टाइम और ले आएंगे. बाय सेंटा. नई की दुकान पे जो था उसके चंगन मंगन बड़े बड़े थे, वो ज्यादा अच्छे थे. हाँ वही तो, हम लोग मैंने बोला था ना उसने दूसरी शॉप पे जाता था, आप बोलते नहीं यहीं से ले लो क्योंकि डील मिल रही थी ना. बाय सेंटा कम सून. I miss you. ये किसने सिखाया? कभी आपको बोला है इसने? I miss you. Bye Christmas tree. I will miss you. I miss you. अपने आप ही बोलती है. सो
कल था न्यू ईयर, परसों था, कल था ना, हाँ कल था, हाँ तो पता नहीं चला। कल तो हमने बहुत सुस्ती डाली, आराम से हम लोग ने घर पे चिल करा। और क्रिसमस क्रिसमस बोल रही हूँ, न्यू ईयर ईव पे भी हमारा मतलब इंदिरा ने प्लान बनाया था बाहर जाने का, खाना वगैरह हम लोग के चलते हैं डिनर पे, बट फिर हम लोगों ने सोचा कि घर पे रहते हैं। आज भी न्यू ईयर, मेरे पापा बोलते थे पूरा महीना जनवरी का न्यू ईयर होता है। और आई रिमेम्बर कि हम लोग वो कार्ड लेके हमेशा जो डैडी के फ्रेंड्स थे सबको हम लोग भेजते थे, और फिर हम लोग भी फ्रेंड्स को छोटे छोटे कार्ड लेके देते थे। और याद है वो भी लिखते थे डब्बे, नया साल मुबारक हो पुराने साल को ओके, ऐसे कुछ होता था, शायरी वगैरह बड़े लिख के देते थे छोटे होते ना फ्रेंड्स वगैरह कजन्स वगैरह। तो अभी टाइम आ गया है क्रिसमस ट्री को बाय बाय करने का इस साल के लिए, फिर जल्दी हम लोग निकालेंगे, जल्दी जल्दी आएगा। पर बड़ा अच्छा लगा, घर में एक अच्छी फेस्टिव वाइब्स फील हो रही थी। और हमने तो दिवाली की जो लाइट्स थी, हम लोग हालांकि पंजाब गए थे तो उससे पहले लगा ली थी, वो भी अभी रोज हम लोग ऑन करते हैं, अच्छी वाइब्स लगती है। बाय क्रिसमस ट्री, एम पर तो मिस बहुत करेगा क्रिसमस ट्री को, है ना एम्बो, मिस करोगे? वो तो बहुत मिस करेगी, उसको बहुत अच्छा लगता है। एम्बर तो स्पाई की इतनी बड़ी वो है ना फैन, कि कुछ गिराए जरा नीचे। ओ ओ दीपा पापा, ओ नो ओ नो, ये साथ के साथ, वेरी गुड गर्ल। ओ पापा क्या कर रहे, जान जान के अब कर रहे, बस बहुत हो गया। तो ये हो गया है बंद, अभी नहीं हुआ, ले रहता है ये नहीं है, रस्सी रस्सी चाहिए, रस्सी मेरे बाल ले लो। आप कितना मैच कर रहे हो क्रिसमस ट्री के साथ आज, आपको पैक करके रख देती हूँ, बोलते बहुत हो ना। बाय बाय, हो गया ये पैक, अब रखेंगे कहाँ पे इसको, दुकान वाले को वापस देते हैं, सही नहीं था ये, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हगी कर दो क्रिसमस ट्री को। आई एम ओपनिंग, तो ओपनिंग माई एनिवर्सरी गिफ्ट। दीपक ने दिए हैं शूज मुझे मेरे कहने पे, अभी लेट्स सी, मैं ऐसे कुछ देख रही थी, अभी दो मंगाए हैं उनमें से एक आया अभी। मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, हाँ वो निकालेगी, बोलेगी मम्मा पहनो शूज, हाँ दोनों आ जाएंगे, दूसरे भी आ जाएंगे। कैसे लग रहे वैसे? और दूसरे आए हैं ये वाले, और ये भी बहुत ही अच्छे हैं, कलर थोड़ा है क्योंकि मेरे पास व्हाइट है और थोड़ा कलरफुल चाहिए था, तो ये भी अच्छे हैं, बट आई विल कीप द अदर वन। ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है न्यू ईयर से पहले से, तो बट ऑफिशियली ये न्यू ईयर वाला फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं इसको न्यू ईयर वाला ब्लॉग ही बोलूँगी। एनीवेज तो हर कोई रेजोल्यूशन लेता है अपना, मैं बोल रही रेजोल्यूशन ही होता है ना, हाँ तो हर कोई लेता है कि फिट होना है, वेट कम करना है, अच्छे रहना है, बट कोई मीन नहीं करता। मुझे लगता है थोड़ा जनवरी के एंड तक सबकी वो एनर्जी फिनिश हो जाती है, तो मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि बी काइंड टू अदर्स, बी काइंड टू योर सेल्फ, ये बोलूँगी। अभी क्या छुपाऊँ, बट थोड़े 3-4 मंथ में 1% तो, 1% नहीं, रिसेंटली मुझे काफ़ी लोग ऐसे मिल गए हैं जो काइंड नहीं थे टुवर्ड्स माई बेबी। तो एम्बर के जब लिए कोई बात आती है ना, तो कोई बात होती है वो हर्ट कर जाती है, कि एक बच्चे के लिए आप कैसे कोई बोल सकता है। तो एक टॉपिक बार बार उठ के आता रहता, वीक वीक वीक, फॉर मी वीक इज़ वेरी बैड वर्ड, क्योंकि वीक को लोग कैसे लेते हैं, जो पतला है बच्चा या वो दिखने में उसकी लुक पतली है उसको वीक बोलते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ नहीं देखते हैं। अब किसको हम लोग प्रूफ तो करने नहीं जा रहे, बट लोगों को ये समझना चाहिए, एटलीस्ट एजुकेटेड लोग जो है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको हम लोग चलो नहीं कह सकते कि उनको नहीं ज़्यादा डिफरेंस पता है, बट जो पढ़े लिखे हैं स्पेशली मदर्स, जो खुद मदर्स हैं, वो दूसरे के बच्चों को ऐसे ना ही बोलें, क्योंकि मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। तो मैं अब सोचा है कि इस साल से मैं उनको फटाफट एक
ऐसा आंसर देना स्टार्ट कर दूंगी। पहले सब लोग बोलते हैं कि मत दो, मत बोलो, मैं भी चुप रहती थी, बट अभी मैंने ये सोचा कि उनको जवाब दूंगी ताकि वो अगले को भी, किसी और को भी ना बोले। सो इसके साथ ही नए साल की शुरुआत हो चुकी है। अच्छे रहिए, अच्छे खाइए, तंदुरुस्त रहिए, और बी गुड टू योर सेल्फ, टू अदर्स, और सब अच्छा सोचिए, बस यही है। और एम्बर कम हियर, ये देखो ये कपड़े यहाँ पे मैंने करे हैं, यहाँ पे बाय कर दो। बिंदी कहाँ है, बिंदी कहाँ लगाई है आपने? अरे वाह।